ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा की साकार मधुर मुरली है 26 अक्टूबर 2023। आज की मुरली के सार में बाबा ने बेहद के दिन और रात के चक्र के बारे में समझाया। बाबा कहते अभी घोर अंधियारी रात, भयानक रात पूरी हो, ब्रह्मा का दिन आने वाला है। यह कहानी है रात और दिन की। हद के रात और दिन तो सभी मनुष्य और जानवर भी जानते हैं। सतयुग को दिन कहा जाता है, जहां मनुष्य देवताई गुणों वाले रहते हैं। देवी धर्म वाले श्रेष्ठाचार्यों को देवताई गुण वाले कहा जाता है। फिर कहा कि जब 84 जन्म आत्मा पूरे करती है, तब फिर गीता के भगवान ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा से आत्मा सहज राजयोग और ज्ञान सीख ऊंच पद पाती है। अब बाबा सच्ची गीता सुना रहे हैं। फिर कहा बीज और जाड़ के चक्र को समझना है। गाते भी हैं सतयुग आदि सत है भी सत होसी भी सत। बाबा कहे अब तुम्हारी विशाल बुद्धि बन गई है। फिर कहा गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे तुमरे कृपाते सुख घनेरे। तो बाप कहते हैं हम तुमको स्वर्ग के सुख घनेरे देने का पुरुषार्थ करा रहे हैं। तुम थक नहीं जाना, इतनी ऊंच ते ऊंच पढ़ाई पढ़ना तुम छोड़ नहीं देना। बाप टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं तो अच्छे मार्क्स से पास होना है। इसमें बाबा कहते हैं आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं। फिर कहा बाबा ने बहुत बार समझाया है आत्मा में अविनाशी पाठ नुंधा हुआ है। कितनी गुह्य बातें हैं समझने की, लेकिन समझेंगे वही जो स्कूल में रोज पढ़ते होंगे। फिर निश्चय की बात बताते हुए कहा कि मनुष्य जब इन बातों को समझे तब तो निश्चय करे। बाबा हमने आपको जाना है, कल्प कल्प आपसे राज्य भाग्य लेते आए हैं, ऐसा निश्चय हो तब पढ़ सके। फिर कहा कि विहंग मार्ग की सर्विस भी तब होंगी जब ऐसे ऐसे निश्चय बुद्धि वाले पत्र लिखेंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के महावाक्य विस्तार से। आज बाबा कहे मीठे बच्चे अभी घोर अंधियारा भयानक रात पूरी हो रही है, तुम्हें दिन में चलना है। यह ब्रह्मा के दिन और रात की ही कहानी है। आज मुरली से बाबा ने प्रश्न पूछा, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने व हीरे तुल्य जीवन बनाने का आधार क्या है। उत्तर में बाबा ने कहा सच्ची गीता जो श्रीमद भगवान वाच है, बाप तुम्हें सन्मुख जो डायरेक्शन दे रहे हैं यह सच्ची गीता है, जिससे तुम्हें सेकंड में जीवन मुक्ति पद की प्राप्ति होती है, तुम हीरे तुल्य बनते हो। दूसरा प्रश्न है स्वर्ग के घनेरे सुख किस पुरुषार्थ के आधार से मिलते हैं। उत्तर में बाबा ने कहा रोज की पढ़ाई और योग से स्वर्ग के घनेरे सुख मिल जाएंगे, इसलिए पढ़ाई में कभी भी थकना नहीं। बाप टीचर बनकर पढ़ाते हैं तो तुम अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो, इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं। आज मुरली में गीत बजा, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। अभी यह गीत तुम बच्चों ने नहीं बनवाए हैं, यह तो फिल्म वालों ने बैठ बनवाए हैं। अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं, हर एक बात का यथार्थ अर्थ न जानने से अनर्थ हो जाता है। गाते हैं समझते कुछ भी नहीं है। अभी तुम बच्चों को श्रीमत मिली हुई है, किसकी? भगवान की। बाबा कहते हैं अभी तुमको श्रीमत मिली हुई है भगवान की। भगवान को ही भगत नहीं जानते तो उन भक्तों की सदगति कैसे हो सकती है। भक्तों का रक्षक है भगवान, रक्षा मांगते हैं, जरूर कोई दुख है, हमारी रक्षा करो। बहुत गाते हैं परंतु भगवान कौन है, किससे रक्षा करते हैं जरा भी नहीं जानते। बाबा कहते हैं पुकारते हैं रक्षा करो, लेकिन किससे अपनी रक्षा करना चाहते हैं यह भी नहीं जानते। भगत अथवा बच्चे अपने बाप को न जानने के कारण कितने दुखी हो पड़े हैं। अभी इनका अर्थ तुम बच्चे समझते हो। अभी है घोर अंधियारा भयानक रात, आधा कल्प की रात है। कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं जानते कि रात किसको कहा जाता है। यूं तो यह जानवर भी जानते हैं रात सोने की दिन जागने का होता है। चिड़ियाएं भी रात को सो जाती हैं, सुबह होती हैं उड़ने लगती हैं। यह दिन रात तो कॉमन है, यह ब्रह्मा की बेहद की रात और बेहद का दिन है।
बेहद का दिन सतयुग त्रेता, रात द्वापर कलयुग, आधा आधा चाहिए ना। दिन की आयु भी 2500 वर्ष है, इस दिन रात का किसी को भी पता नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि रात पूरी होती है, अर्थात 84 जन्म पूरे होते हैं, अथवा ड्रामा का चक्र पूरा होता है, फिर दिन शुरू होता है। रात को दिन और दिन को रात बनाने वाला कौन है, यह भी कोई नहीं जानते। भगवान को ही नहीं जानते तो यह सब बातें कैसे जान सके। मनुष्य पूजा करते हैं परंतु समझते नहीं कि यह कौन है, किसकी हम पूजा करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, पहली पहली मुख्य बात है गीता को खंडन करने की। कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता, गीता का पति है भगवान न कि कोई मनुष्य, अर्थात गीता का रचयिता है भगवान न कि कोई मनुष्य। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है और सतयुग के मनुष्यों को देवताई गुणों वाला कहा जाता है। देवी धर्म वाले श्रेष्ठाचारी को देवताई गुणों वाला कहते हैं। भारत के मनुष्य श्रेष्ठाचारी थे, वही फिर असुरी गुण वाले बन पड़े हैं। मुख्य धर्म शास्त्र चार हैं और कोई धर्म शास्त्र है नहीं, अगर है तो भी बहुत छोटे छोटे मठ पन स्थापन किए हैं, जैसे सन्यासियों का मठ, बौद्धियों का मठ है। बुद्ध ने बौद्ध धर्म स्थापन किया, वह कहेंगे हमारा फलाना धर्म है। अब भारतवासियों का धर्म शास्त्र है एक, सतयुगी देवी देवता धर्म का शास्त्र है एक, उनको श्रीमद् भागवत गीता कहा जाता है। गीता माता उनका रचयिता है, परम पिता परमात्मा। श्री कृष्ण की आत्मा जब 84 जन्म पूरे करती है तब फिर गीता के भगवान ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा से सहज राजयोग और ज्ञान सीख ऊंच पद पाती हैं। ऐसे ऊंचते ऊंच धर्म शास्त्र को खंडन कर दिया है, जिस कारण ही भारत कौड़ी तुल्य बना है। यह भी ड्रामा में एक कच भूल है जो गीता को खंडन कर दिया है। बाप अब जो सच्ची गीता सुना रहे हैं वह निकलनी चाहिए। बाबा कहते हैं जो वास्तव में भगवान ने आकर सच्चा गीता का ज्ञान दिया वह सबके सामने आना चाहिए। सच्ची गीता गवर्नमेंट को छपाना चाहिए। यह है श्रीमद् भगवान वाच। बच्चों प्रति बाप डायरेक्शन देते हैं, अच्छी रीति लिखना चाहिए शॉर्ट में। तुम जानते हो सच्ची गीता से सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। बाप का बन बाप से वर्षा लेना है, बीज झाड़ और ड्रामा के चक्र को समझाना है। गाते भी हैं सतयुग आदि सत है भी सत हो सी भी सत, झाड़ को जानना भी सहज है। इनका बीज ऊपर में है, यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है, इसमें सब आ गए। बाकी छोटी छोटी टालियां तो अथाह हैं, मठ पंथ बहुत हैं। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है, वह किसने स्थापन किया, भगवान ने। बाबा कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया, भगवान ने, कोई मनुष्य ने नहीं किया। श्री कृष्ण तो देवी गुणों वाला मनुष्य था, वह 84 जन्म पूरे कर अब अंतिम जन्म में है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी वैश्यवंशी बनते बनते कलाएं कम हो जाती हैं। सूर्यवंशी राजधानी जो सतयुग में श्रेष्ठाचारी थे सो कलयुग में अब भ्रष्टाचारी हैं, अब फिर श्रेष्ठाचारी बन रही हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि ऊंचते ऊंच पार्ट किसका होगा। अभी तुम जान गए हो मुख्य है ही शिवाय नमः, जो उसकी महिमा है वह ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए नहीं गा सकेंगे। प्रेसिडेंट की महिमा प्राइम मिनिस्टर को अथवा और कोई को देंगे क्या, नहीं, अलग अलग टाइटल है ना। बाबा कहते हैं ऐसे शिव बाबा की और देवी देवताओं की सबकी महिमा अलग अलग है, लेकिन मनुष्य ने भक्ति की भावनाओं के अनुसार सबको मिला दिया है। सब एक तो हो नहीं सकते। तुम बच्चों को अभी बुद्धि मिली है, तुम जानते हो क्राइस्ट को भी अपना क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने का पार्ट मिला हुआ है। आत्मा है तो बिंदी, उस आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। क्रिश्चियन धर्म की स्थापना कर फिर पुनर्जन्म लेते पालना करते सतो रजो तमो में आना है। पिछाड़ी में सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत होना ही है। हर एक को कितना कितना समय पार्ट मिला हुआ है, बुद्ध को कितना समय पालना करनी है यह तुम जानते हो। भिन्न भिन्न नाम रूप में जन्म लेते रहते हैं,
अभी बाबा तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि बनाते हैं, परंतु कोई तो शिव बाबा को याद भी नहीं कर सकते। बेहद का बाप बेहद स्वर्ग का वर्षा देते हैं, यह भी तुम समझा नहीं सकते। बाबा ने बहुत बार समझाया है, आत्मा में अविनाशी पार्ट नुंधा हुआ है, एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेना है। कितनी गुह्य बातें हैं समझने की, जो स्कूल में रोज पढ़ते होंगे वही समझेंगे। कोई तो चलते चलते थक जाते हैं, गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। बाप कहते हैं, हम तुमको स्वर्ग के सुख घनेरे देने का पुरुषार्थ करा रहे हैं, तुम थक नहीं जाना। बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ तुम बच्चों को सुख घनेरे देने के लिए, तो पुरुषार्थ करते हुए थक नहीं जाना। इतनी ऊंच ते ऊंच पढ़ाई पढ़ना तुम छोड़ देते हो। कोई तो पढ़ाई छोड़ फिर विकार में भी चले जाते हैं, जैसे कातेसा बन जाते हैं, चलते चलते गिर पड़ेंगे तो और क्या होगा। भल वहाँ सतयुग में सुख में है, परंतु पद में तो फर्क है ना, यहाँ सब दुखी हैं। वहाँ सतयुग में राजा प्रजा सबको सुख है, फिर भी पद तो ऊंच लेना चाहिए ना। बाबा ने कुछ दिन पहले भी यह बात क्लियर किया था कि भल सतयुग में कोई दुख नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ ऊंच पद पाने का करना है। पढ़ाई छोड़ दी तो मात पिता कहेंगे, तुम तो लायक नहीं हो। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते लेते कई बच्चे थक जाते हैं, चलते चलते माया वार कर देती है तो लौट जाते हैं। जो जमा किया वह फिर ना हो जाता है, अर्थात खाली हो जाता है, बाकी क्या बनेंगे। स्वर्ग में भर जाएंगे, लेकिन बिल्कुल साधारण प्रजा जाकर बनेंगे। बाप कहते हैं, हमारा बनकर फिर थक कर बैठ गए, वाट्रेटर बन गए, तो प्रजा में चंडाल जाकर बनेंगे, सभी चाहिए ना। बाबा कहते हैं, सतयुग में तो सब नंबरवार पद है ना, स्वर्ग का मालिक बनते बनते अगर पढ़ाई को छोड़ देते तो उन जैसा महामूर्ख दुनिया में कोई होता नहीं। लिखते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के बहुत सुख घनेरे मिलते हैं, कृपा करो। बाप कहेंगे, कृपा की तो बात ही नहीं, मैं टीचर हूँ, पढ़ाऊंगा, पुरुषार्थ तुम करो, अच्छे मार्क्स से पास होना है, बाकी मैं थोड़े ही बैठ सब पर आशीर्वाद करूंगा। तुम योग में रहो तो ताकत मिलती रहेंगी, सभी थोड़े ही गद्दी पर बैठेंगे, एक दो के सिर पर बैठेंगे क्या। तो धर्म मुख्य है ही चार, शास्त्र भी चार हैं, उसमें मुख्य है गीता, बाकी सब उनके बच्चे हैं। वर्षा तो मात पिता से मिलता है। बाबा कहते हैं, प्राप्ति तो मुख्य से होती है ना, मात पिता से। अब बाप सन्मुख समझा रहे हैं, सिर्फ गीता पढ़ने से ही थोड़े ही राजाओं का राजा बन जाएंगे। ब्रह्मा बाबा ने तो गीता पढ़ी है, परंतु उनसे होता कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं, सिर्फ गीता ज्ञान से कोई प्राप्ति नहीं है, प्राप्ति उसकी धारणा में है। यह सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र, तुमको पुरुषार्थ कर सोलह कला संपूर्ण बनना है। अभी तो तुम्हारे में कोई कला कोई गुण नहीं रहा है। गाते भी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आपे तरस परोई, हमको फिर सोलह कला संपूर्ण बनाओ, जो हम थे फिर बनाओ। अब तुम जानते हो, बाबा सन्मुख आकर समझा रहे हैं, एक निर्गुण संस्था भी बना दी है। निर्गुण निराकार का अर्थ भी नहीं जानते, शिव का तो आकार भी है जिसका नाम है, तो जरूर चीज भी है ना। आत्मा इतनी सूक्ष्म है, उनका भी नाम है। ब्रह्मा महातत्व जहाँ आत्माएं निवास करती हैं, वह भी नाम है ना। बाबा कहते, हर एक चीज का नाम भी है रूप भी है, तो भगवान को निराकार कहते हैं। जिनका इनमें से कोई आकार नहीं है, वह निराकार ज्योति बिंदु है। नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं, भगवान को कहते हैं नाम रूप से न्यारा, फिर उनको सर्वव्यापी कह देते हैं। यह कितनी बड़ी भूल है। मनुष्य इन बातों को समझे तब तो निश्चय करे। बाबा हमने आपको जाना है, कल्प कल्प आपसे राज्य भाग्य लेते आए हैं, ऐसा निश्चय हो तब पढ़ सके। यहाँ से बाहर निकलते हैं और भूल जाते हैं, इसलिए पहले पहले तो लिखवा लेना चाहिए, बरोबर शिव बाबा आया है राजयोग सिखलाने। लिख कर भी देते हैं फिर पढ़ते नहीं, ब्लड से भी लिख कर देते हैं, परंतु आज है नहीं। माया कितनी तीखी है,
बाप कितना बैठ समझाते हैं, तुम्हारी विहंग मार्ग की सर्विस तब होंगी जब ऐसे ऐसे पत्र लिखेंगे। तुम्हारी शक्ति सेना में भी नंबरवार हैं, कोई चीफ कमांडर हैं, कोई कैप्टन, कोई मेजर हैं, कोई सिपाहियों के साथ बोझ उठाने वाले भी हैं, सारी सेना है। बाबा तो पुरुषार्थ कराएंगे ना, हर एक के पुरुषार्थ करने से समझ में आता है। यह राजा रानी बनेंगे, वह अच्छी साहूकार प्रजा में जाएंगे, यह साधारण प्रजा में जाएंगे, यह दास दासी बनेंगे, यह तो बिल्कुल सहज है समझने का। अर्थात बाबा कहते हैं यह सब बातें पुरुषार्थ से सहज समझ जाते हैं। तो पहली मुख्य बात को उठाना है, बाबा कितना ललकार करते हैं महारथियों को, तो विहंग मार्ग की सेवा के लिए विचार चलने चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, पढ़ाई में थकना नहीं है। कल भी बाबा ने कहा था, पढ़ाई में कभी भी थकना व रुकना नहीं है। ऊंचते ऊंच पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है। दूसरा, विहंग मार्ग की सर्विस करने की युक्तियां निकालनी है। योग में रहे, बाप से ताकत लेनी है, कृपा आशीर्वाद मांगनी नहीं है। आज बाबा ने वरदान दिया, वरदानों की दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने वाले सदा खुश नसीब भाव। वरदानों की दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने वाले सदा खुश नसीब भाव। स्पष्टीकरण है, बाप दादा संगम युग पर सभी बच्चों की तीन संबंधों से पालना करते हैं। बाप के संबंध से वर्षे की स्मृति द्वारा पालना, शिक्षक के संबंध से पढ़ाई की पालना और सतगुरु के संबंध से वरदानों के अनुभूति की पालना एक ही समय पर सबको मिल रही है। इसी दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते रहो। मेहनत और मुश्किल शब्द भी समाप्त हो जाए तब कहेंगे खुश नसीब। बाबा ने खुश नसीब बनने की विधि बताई कि एक ही समय पर तीनों पालना साथ साथ लेना है। बाप द्वारा वर्षे की स्मृति की पालना, शिक्षक द्वारा पढ़ाई की पालना और सतगुरु द्वारा वरदानों के अनुभूति की पालना, तीनों साथ साथ करना है तभी श्रेष्ठ जीवन का अनुभव कर सकेंगे। आज का स्लोगन है, बाप के साथ साथ सर्व आत्माओं के स्नेही बनना ही सच्ची सद्भावना है। बाप के साथ साथ सर्व आत्माओं के स्नेही बनना ही सच्ची सद्भावना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।